हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गैलेक्सी एंड यू आर वाचिंग स्टैम्बलिंग सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने स्टैम्बलिंग के होते हुए स्टेट लेवल पे जो वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू होता है उसको जस्ट दिया है। एंड उस इंटरव्यू में एक वर्ड पे मुझे ना स्टैम्बलिंग थी ना ही थॉट था कि मैं स्टैम्बलिंग करने वाला हूँ। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैंने इस चीज़ को अचीव किया है एंड क्या क्या न्यू फाइंडिंग्स मुझे अपने आप अपनी स्टैम्पिंग में देखने को मिली है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, कैसे ये वर्क करती है, क्या मेरा नया एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है इस फील्ड में वो आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको आपकी स्टैम्पिंग को ओवरकम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या इंटरव्यू था एंड ऑल वगैरह। सो एक्चुअली स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू होता है। सो यूपीएससी नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे पीएससी होता है। सो इस इंटरव्यूज़ में एक तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं कि आप एक सब डिवीज़न बोले तो तहसील को हैंडल प्रॉपरली कर सकते हो कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में वहाँ पर मेंटेन करना है, जो भी फंक्शन है आप प्रॉपरली कर सकते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरा असेसमेंट वहाँ पे होता है। तो उसके लिए काफ़ी मस्ट है कि आपको बोलना आना चाहिए, बिकॉज आप ऑर्डर्स जब ही दे पाएंगे जब आप बोल पा रहे हैं प्रॉपरली, राइट। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व जब ही कर पाएंगे जब आप बोल पा रहे हैं प्रॉपरली। तो उसके लिए बोलना काफ़ी मस्ट है, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत मस्ट है। बट मेरे साथ केस काफ़ी अपोजिट था। मेरे साथ मेरी स्टैमिना थी जो सीवियर है, काफ़ी टाइम काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉकेजेस थे जिसको मैंने ओवरकम कराया। नाउ आई कैन ईजीली से वट एवर आई वॉन्ट टू से, बट ये एकदम से नहीं हुआ। बट इन सबको एक्सप्लेन करने से पहले अपन एक्चुअली मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसका वीडियो रिकॉर्ड करना वहाँ पे अलाउड नहीं होता, बट मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ दे रखे हैं तो मैं आपको उनका वीडियो यहाँ पे शो करने वाला हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं कितना फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ, एक स्टैम्पिंग नहीं हो रही। सिचुएशन काफ़ी फियरफुल है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे सामने मेरे तीन चार मेंबर्स बैठे हुए हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनकी एज 60-50 है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। सो बट फिर भी मैं काफ़ी फ्लुएंटली बोल रहा हूँ। पहले ये वीडियो अपन देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कैसे इस चीज़ को करा। Come in. Thank you, sir. Namaste, sir. Namaste, ma'am. Namaste. बैठिए Galaxy. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए. Yes, sir. Sir, मेरा नाम Galaxy नागपुर है, मैं बालाघाट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है विद अ डिग्री ऑफ बैचलर्स इन केमिस्ट्री ऑनर्स। सर, मेरी हॉबी है फिटनेस, विपश्यना मेडिटेशन, एंड साथ ही मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ जिन्हें स्टैम्बलिंग का इशू होता है। सर, ओके, तो आपने लिखा है कि आपको देखने में कुछ दिक्कत होती है। यस सर। क्या दिक्कत होती है? सर, मुझे स्टारगार्ड डिसीज है। सर, इसमें सेंट्रल विजन विद एज डिक्रीज होता है। तो सर, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ तो मेरे सेंट्रल विजन ब्लरी होता है, पेरिफीरियल विजन से मेरा क्लियर होता है। अच्छा। यस सर। ये किस वजह से होता है सर? सर, इसके पीछे जेनेटिक कॉज होता है, कुछ जीन्स म्यूटेट कर जाते हैं, इस कारण जो है सेंट्रल जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं वो विद एज डाई होते जाते हैं। सर, ओके। और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकला? सर, एज ऑफ नाउ कुछ सॉल्यूशन नहीं है। क्या मेडिटेशन से कुछ मदद मिलती है इसमें? सर, स्टारगार्ड में कोई इसका बेनिफिट्स नहीं है मेडिटेशन से, बट सर एक हेल्दी डाइट और हेल्दी रूटीन फॉलो करने से कुछ हद तक के तुम जो डीजनरेशन है उसे स्टॉप कर सकते हो, उसका रेट आप स्लो कर सकते हैं। तो आप विपश्यना मेडिटेशन करते हैं? यस सर। कितने वर्षों से? सर, 3 ईयर ऑलमोस्ट। कुछ असर दिख रहा है उसका, कुछ फायदा होता हुआ? यस सर। क्या क्या फायदे दिखे? सर, फर्स्टली जो पास्ट फ्यूचर के थॉट्स होते हैं सर, थोड़ा रेगुलेट मैं उनको कर पाता हूँ। साथ ही मेरी स्टडीज में मेरा फोकस थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। एंड सर, सोशल रिलेशन भी इससे इम्प्रूव होता है, बिकॉज आपको एंगर इशू जैसी समस्या जो है वो नहीं आती है। सर, ऐसे कुछ बेनिफिट्स? सो आपने वो वीडियो अब देख ही लिया होगा।
तो अब बात करेंगे कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया, कैसे मैंने इस फ्लुएंसी को अचीव किया, क्या लर्निंग्स है आपकी, क्या आप यहाँ से सीख सकते हैं स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर हो चुके हैं स्टैमरिंग के ओवरकम करने की जर्नी स्टार्ट हुई है। टू बी स्पेसिफिक दिसंबर 2021 में मैंने ये स्टार्ट किया था एंड अभी ऑलमोस्ट 3 ईयर तो कंप्लीट हो ही गए। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लुएंसी और यहाँ पे एकदम फ्लो, एकदम स्मूथ फ्लो इसलिए बन पाया है क्योंकि मैंने मल्टीपल चीज़ें करी है, मल्टीपल चीज़ों का मैंने सीखा है, मल्टीपल चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट की। फॉर एग्जांपल मुझे इनिशियली फ़ोन कॉल पे बोलने में स्टैमरिंग थी तो मैंने 3 महीने कम से कम फ़ोन कॉल पे ही प्रैक्टिस की है। एक फ्रेंड को बोला कि मैं 20 मिनट तुझे रोज कॉल लगाऊंगा और फ़ोन कॉल में मैं तुझसे बात करूंगा ताकि मेरा फ़ोन कॉल का फियर चले जाए। इनिशियली वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिकॉज जब भी मैं फ़ोन कॉल पर कॉल लगा रहा हूँ तो मेरी ब्रीथ जो है काफ़ी बढ़ रही है, राइट, जिस कारण मैं प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी जल्दी फ़ोन को रख रहा हूँ। तो वो ठीक हो गई जब मैंने 3-4 महीने उस पर प्रैक्टिस की, सीखा क्या सही तरीका है क्या सही तरीका नहीं। उसके बाद मैंने लाइव करना स्टार्ट किया, एक फ्रेंड या फिर एक फैमिली मेम्बर को अपने सामने बैठा ला चेयर पर, उसके सामने बैठा, जो मैं पढ़ रहा हूँ डे टाइम में उसको एक्सप्लेन किया टॉपिक को 15-20 मिनट। इनिशियली मेरा जो डायफ्राम मसल है यहाँ पे, ये काफ़ी स्टिफ और हार्ड होने के कारण इसमें पेन हुआ उस टाइम करता था कि मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे पेन हो रहा है, पेन हुआ करता था। सो बट वो अब नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उस सिचुएशन में ही अपने आप को बहुत एक्सपोज किया, 2-3 महीने कंटिन्यूसली एक्सपोज किया, तो अब वहाँ पे पेन नहीं होता, राइट। सेम मुझे एक्चुअली हिंदी में स्टैमरिंग कम है, इंग्लिश में ज़्यादा थी। तो एक वेबसाइट थी फ्री फॉर टॉल्क, मैंने ऑलमोस्ट 7-8 महीने वहाँ पे हर दिन 1 आवर प्रैक्टिस करी है, स्ट्रेंजर से बात करी है, फॉरेनर से बात करी है। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि इनिशियली काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, फिर बाद में काफ़ी वो इजी हो गया, इनका भी काफ़ी इजीली मैं बोल पाता हूँ वहाँ। सो मेरा ये बोलने का मीनिंग है कि आप कहीं कॉन्टिन्यूसली हर एक वीक एरिया, वीक जोन, जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे लाइव कॉन्वर्सेशन, जैसे इंग्लिश, हर एक वीक जोन को सिस्टमेटिकली उस पर वर्क करेंगे तो आपकी स्टैम्पिंग काफ़ी ईजीली ओवरकम हो सकती है। आप मैनेज करना पहले सीखेंगे, राइट। और स्टैम्परिंग ओवरकम करना एक स्टेज है, ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट पे आकर के 6 महीने आपने प्रैक्टिस की एकदम से सब चले जाएगा, नहीं। एक्चुअली आपकी ना बैड हैबिट टूटते जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी है, मेरे पास स्टैम्परिंग है, मुझे ब्रीथ की प्रॉब्लम है, मेरे डायफ्राम, मेरे चेस्ट में पेन होता है जब मैं बात करता हूँ, ये एक इशू है। साथ ही मुझे AEIOU पे काफ़ी ब्लॉकेज है, ये एक इशू है। साथ ही मुझे इंग्लिश में स्टैमरिंग होती है, ये एक इशू है। तो आप देखोगे कि 1 by 1 जब आप ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपके फियर्स जो है रिमूव होते जाएंगे एंड एक स्टेज ऐसी आएंगी जहाँ पे आपके पास कोई भी इशू नहीं होगा, राइट। एक और एग्जांपल, जब मैं स्टार्टिंग में मुझे स्टैमरिंग थी तो मुझे AEIOUKT पे स्टैमरिंग थी, KNT। अभी मुझे AEIOU पे स्टैमरिंग नहीं है, मुझे KT पे अभी भी स्टैमरिंग है। और ये मुझे कैसे पता लगा? बिकॉज मैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ करता हूँ, मैं अभी भी स्टॉप कर रहा हूँ, करता हूँ, वो काफ़ी स्मूथली नहीं आ रहा। सो मुझे क पे अभी भी स्टैमरिंग है। सो पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? सो मैं दिखा रहा हूँ, मैं हर दिन अपने वर्ड्स को नोट डाउन करता हूँ जिन्हें मुझे स्टैमरिंग होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या, जैसे कि ये एक लिस्ट आप देख रहे हो, ठीक है, मैं आपको वर्ड बोल के सुना रहा हूँ। कल, कल, क्या, क्वार्क, कुटीर, कमाओ, करी, टूरिज्म, किसान, तली, कीबोर्ड, किसको, कीबोर्ड, किसको, खत्म, काम,
कई कई केड परफ्यूम कंसर्न कश्मीर कश्मीर तबीयत फ्लैट। सो आप देखोगे कि हर एक वर्ड वो वर्ड है जिसमें क है ट है, तो मुझे अभी क ट पे अभी भी स्टैम्प नहीं है। बट ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले ए ई आई ओ यू भी वहाँ था, अभी ऐसा कोई वर्ड नहीं है ए ई आई ओ यू का जहाँ मुझे स्टैम्प नहीं होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपके जो वर्ड्स है, आपके जिन वर्ड्स पे आपको ब्लॉकेज है, वो सिस्टमेटिकली धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाएंगे। ए ई आई ओ यू रिमूव होगा, फिर के टी अभी कर रहा हूँ बट 6 महीने बाद नहीं करूँगा। तो एक ही लॉन्ग साइक्लिक अप्रोच है, आपको बस वर्क करते रहना है। एंड जब आप इतना करना स्टार्ट कर देंगे, आप जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, जैसे मैंने अपने आप को करा है लास्ट 3 साल में, मैंने बहुत एक्सपोज अपने आप को करा है। एंड जब मैंने इतना एक्सपोज अपने आप को कर दिया, तो जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू देने गया तो मुझे उतना स्टैमरिंग नहीं हुआ ही नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी मेरा ब्रेन उस क्लाइमेट में बोलने के लिए ट्रेंड है, इसलिए वो बोल पा रहा है। इनफैक्ट मैंने अपने मॉक्स जो होते हैं, मेन इंटरव्यू के पहले मॉक्स होते हैं, मैंने 17 to 18 मॉक्स दिए ताकि मैं उस एनवायरनमेंट में अपने ब्रेन को अडेप्ट कर पाऊँ। तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल इस वीडियो से मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि स्टैमरिंग ओवरकम करना बहुत एक लॉन्ग जर्नी है। 6-7 मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोला भी होगा, 6-7 महीने आपको लगेंगे। यस, 6-7 महीने आपको लगेंगे एक फ्लुएंसी को पकड़ने में, बट ऐसा नहीं है कि 6-7 महीने में आपकी स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएंगी। हो भी सकती है एक्सेप्शनल सिनेरियो में, बट मुझे इतना पता है जितनी मैंने बात करी है, मेरा पर्सनली ये मानना है ये काफ़ी लॉन्ग साइकिल, इसमें टाइम पीरियड डालना काफ़ी डिफिकल्ट है। एंड आई नो कि मैं अपनी पहले में पास में जो स्टेटमेंट दी है उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो और इंक्रीज हो रहा है, राइट? इसलिए मैं ये वीडियो अभी यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट कमिंग वीक्स में मैं और भी वीडियोज अपलोड करते रहूँगा, तो अब मैं रेगुलर होने वाला हूँ इस चैनल पर। ओके, बाय बाय।